बहुत ही कुछ ऐसी मूवीज होती है जो खत्म होते ही आपके दिमाग का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने साथ ले जाती है और आपके दिमाग में छोड़ जाती है कई सारे सवाल, सवाल जो आपकी नींद उड़ा दे, सवाल जो खुली आंखों से आपको उस मूवी की दुनिया में ले जाए, सवाल जो आपको और भी अच्छी मूवीज ढूंढने के लिए मजबूर करे, और सवाल जो आपकी सोच में बदलाव लाए। इस लिस्ट में हमने ऐसी ही सवाल खड़े करने वाली मूवीज को चुना है। आपकी स्क्रीन के ऊपर हमारी लास्ट टॉप 10 हॉलीवुड मूवीज की लिस्ट है। इसी बियॉन्ड इमेजिनेशन मूवीज को कंटिन्यू करते हुए ये वीडियो है। ऐसी ही बेस्ट मूवीज की लिस्ट के लिए आइए हमारे इंस्टाग्राम आईडी @abhi_review पर। और अगर हमारी मूवीज को लेकर पसंद कहीं मैच होती है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो अभी का रिव्यू हम करेंगे टॉप 10 हॉलीवुड मूवीज पार्ट 6। जिस तरह हम मोबाइल्स को अपग्रेड करते हैं उसी तरह हमारी मूवी चॉइसेस में अपग्रेड होते रहने चाहिए। ऐसी ही नंबर 10 की फ्यूचरिस्टिक मूवी साईफाई एक्शन यूट्यूब पर बाय या रेंट कर सकते हैं 2009 की सैरोगेट। कितना अच्छा होता अगर हम पूरी जिंदगी घर बैठे बैठे मजे कर रहे होते और हमारा डुप्लीकेट सैरोगेट जिसे हम घर बैठे बैठे कंट्रोल कर सकते हैं हमारे सारे डे टू डे काम करता। जिस तरह से आज की टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है हम वर्क फ्रॉम होम तो कर ही रहे हैं, क्या पता एक दिन ये भी सच हो जाए। ये मूवी परफेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है इसलिए नंबर 10 पर है, लेकिन हम फ्यूचर में जाके ट्रैवल करके इस सवाल का जवाब तो नहीं ढूंढ सकते। इसलिए ये मूवी अपनी यूनिक आइडिया, ग्रेट एक्शन सीन्स और बहुत अच्छी स्टोरी लाइन से बहुत कुछ समझाती है। हम अक्सर अपने गिल्टी प्लेजर्स अलग अलग तरीकों से पूरे करते हैं, GTA का गेम खेलकर किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देना वगैरह वगैरह, लेकिन नंबर 9 की मूवी का गेम इन सबसे ऊपर है। 2009 की एक्शन थ्रिलर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे हिंदी में अवेलेबल है द टूर्नामेंट। ये सर्वाइवल गेम बहुत ही सिंपल है, हर एक प्लेयर को एक दूसरे को मारना है और हर एक पे बोली लगाई जाएगी, जो आखिरी में बचेगा वो जीत गया। इस मूवी की खासियत है इसके एक्शन सीन्स में जो आपको एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस देती है। और इतना ही नहीं, 30 अलग कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हर एक के पास अलग अलग स्किल्स, एक दूसरे से जब भिड़ते हैं तो हमें नॉन स्टॉप एक्शन मिलता है। जब मुझे पता चला नंबर 8 की मूवी ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड है तो मैं तो हक्का बक्का रह गया। क्राइम ड्रामा 2018 की नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है 22 जुलाई। नॉर्वे के टेरर अटैक की ये स्टोरी है जहां पर राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट यंग स्टूडेंट्स के कैंप में धड़ाधड़ गोलियां शुरू। एक्शन, सर्वाइवल, ड्रामा और भर भर के खून खराबा इसमें। ऐसी बोल्ड मूवीज हमें सिर्फ नेटफ्लिक्स की तरफ से ही देखने मिलती है। ऐसी डेयरिंग वाली मूवी अगर इंडिया में बना दी जाए तो लोग बिना देखे ही रस्ते पे उतर जाएंगे। नंबर 7 की साइंस फ्रिक्शन थ्रिलर ने मेरे दिमाग में इतने सारे सवाल खड़े कर दिए कि कुछ दिनों तक इसका हैंगओवर निकला ही नहीं मेरे दिमाग से। जल्दी आ जाएगी। एक टिपिकल टाइम मशीन मूवी के अंदर एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान होता है जिसके पास टाइम मशीन रहती है, लेकिन इस मूवी के अंदर आपके और मेरे एज ग्रुप के कुछ यंग स्टूडेंट्स जिनके हाथ लगती है ये टाइम मशीन, और उसके आगे क्या होगा ये आपको इस मूवी में देखना है। इस मूवी को फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव से शूट किया है जिसका मतलब है आपको लगेगा आपने खुद ने कैमरा होल्ड किया है और आप भी इस मूवी के एक कैरेक्टर हो। हार्डकोर हेनरी मूवी जैसी कुछ फीलिंग देती है आपको। कुछ मूवीज बहुत सिंपल होती है लेकिन उतना ही गहरा उनका इंपैक्ट होता है। 2011 की नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है साइंस फिक्शन थ्रिलर सुपर 8। ये पहली साइंस फिक्शन मूवी थी जो मेरी मम्मी को पसंद ही नहीं लेकिन समझ भी आई थी। उसका सबसे बड़ा रीजन है इसके कैरेक्टर से आप इमोशनली कनेक्ट होते हो। छोटे बच्चे मिलकर जब एक शॉर्ट फिल्म बनाते हैं उसी वक्त एक ऐसी घटना होती है बस इससे आगे मैं नहीं बता सकता। अगर आप स्ट्रेंजर थिंग्स के फैन हो तो ये मूवी आपको डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। इस मूवी के कुछ एक्शन सीन्स, विजुअल्स, एक्टिंग और हिंदी डबिंग बहुत ही इंप्रेसिव है। मूवी कहीं पर भी लॉन्ग जंप या हाई जंप मारने की कोशिश नहीं करती है, स्लो चलती है, इसीलिए आपको थोड़ा पेशेंस रख के देखना होगा।
नंबर 5 की मूवी देखकर आपकी जीप लपलपाने वाली है क्योंकि इस लॉकडाउन के अंदर ये मूवी देखना बहुत रिस्की है। 2014 की ड्रामा कॉमेडी Amazon Prime पर अवेलेबल है शेफ। 2017 की सैफ अली खान की शेफ इसी मूवी का रीमेक है। आयरन मैन के डायरेक्टर जॉन फेवरो जिन्होंने इस मूवी के अंदर शेफ का रोल किया है, हर एक एंगल से वो शेफ लगते हैं और साथ ही साथ ऐसी ऐसी डिश बनाते हैं। इस मूवी को देखते वक्त 100% आपका कुछ ना कुछ तो खाने का मन करेगा जो आपकी हालत और भी टाइट कर देगा इस लॉकडाउन में। इसके अलावा ये मूवी आपको फादर एंड सन के बीच का ब्यूटीफुल रिलेशनशिप दिखाती है और एंड में आते आते आपको क्रिएटिव होने की इंस्पिरेशन देती है। नॉर्वे दुनिया की वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री है जिसे दुनिया का हेवन भी कहा जाता है और इसी हेवन में सुनामी आ जाए तो 2015 की डिजास्टर मूवी जिसे आप यूट्यूब पर बाय या रेंट कर सकते हैं द वेव। ऋषिकेश में जिस तरह से लैंडस्लाइड हुआ था वहां जो तबाही हुई थी वैसा ही कुछ इस मूवी का प्लॉट है। फर्स्ट हाफ मूवी का बहुत स्लो है जिसमें कैरेक्टर बिल्डअप और फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में बताया जाता है और जैसे ही सेकंड हाफ में बड़ी वेव आती है वो देखकर ये मूवी आपको पूरी तरह हिप्नोटाइज कर देगी। मूवी का सबसे स्ट्रांग पॉइंट है इसका सेकंड हाफ जहां आप कैरेक्टर से इतने कनेक्टेड हो जाते हो कि आपको तकलीफ होने लगती है जब उनको तकलीफ होती है। कई जगहों पे आपकी धड़कनें बढ़ने लगी कि अब आगे क्या होने वाला है। डिजास्टर मूवी के अंदर नॉर्मली हमें एंड रिजल्ट पता होता है लेकिन वो किस तरह से होता है यही देखने में बड़ा मजा आता है। बहुत ही कुछ मूवीज होती है जो आपको इतना एनर्जाइज्ड कर देती है कि आपको लगता है कि अब मैं एवरेस्ट भी चढ़ जाऊंगा। ऐसी ही एडवेंचर डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पर अवेलेबल है 2003 की टचिंग द वॉइड। में दो यंग माउंटेन क्लाइंबर्स की एक कहानी है। बर्फीला माउंटेन सियुला ग्रैंडे जिसके ऊपर बहुत ही हार्श वेदर कंडीशन है जिसमें से एक का पैर टूट जाता है, आगे क्या होगा ये आपको मूवी में देखना होगा। इन दोनों क्लाइंबर्स की विल पावर को देखकर आप पूरी तरह पम्प्ड अप हो जाओगे और खास करके ह्यूमंस का रिएक्शन एक्सट्रीम पेन और बदतर कंडीशन के अंदर। टॉप 2 मूवीज से पहले अगर आपकी और मेरी सोच मूवीज को लेकर कहीं मिलती है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मूवीज बियॉन्ड इमेजिनेशन की कंप्लीट सीरीज की लिस्ट आपको हमारे इंस्टाग्राम आईडी @abhi_review पे मिल जाएगी। जब इंसान के सामने मौत खड़ी और तेजी से उसके पास आती है तो अपनी जान बचाने से ज्यादा इस दुनिया में और कुछ प्यारा नहीं होता। लेकिन ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड नंबर 2 की मूवी इसे गलत साबित करती है। अपनी जान हथेली पे रख के फैमिली को बचाने की इम्पॉसिबल कोशिश हम देखते हैं नंबर 2 की डिजास्टर मूवी नेटफ्लिक्स और यूट्यूब पर अवेलेबल है द इम्पॉसिबल। एक परफेक्ट डिजास्टर मूवी का ये एग्जांपल है। ग्रेट एक्टिंग और आंखें फटी की फटी रह जाएगी ऐसे विजुअल्स और उससे भी बढ़कर इसकी सिनेमेटोग्राफी। कई जगहों पे मूवी बहुत ज्यादा फास्ट और लाउड चलती है तो कहीं पे एकदम से साइलेंट जिससे हम अपनी धड़कनें सुन सकते हैं। कहानी थाईलैंड के सुनामी की है जहाँ पे क्रिसमस स्पेंड करने एक फैमिली आती है और एक बहुत बड़ी सुनामी आती है और सभी को अलग कर दे। ऊपर वाला ना करे कल हो कि अगर कोई भी डिजास्टर होता है तो हमारा रिएक्शन 100% इसी मूवी की तरह होगा और सबसे ज्यादा इमोशनल तो इसका क्लाइमेक्स है जो पत्थर दिल इंसान के आंखों में भी आंसू ला देगी। इस दुनिया के टॉप 3 डायरेक्टर्स में से एक मार्टिन चार्ल्स स्कॉर्सेसी, वर्ल्ड क्लास लेवल के एक्टर्स मैथ्यू और लियोनार्डो डी कैप्रियो। अगर आप नए हैं तो ऐसी ही बेस्ट मूवीज और वेब सीरीज की लिस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। इस वीडियो को लाइक करके हमें कमेंट में आपकी बियॉन्ड इमेजिनेशन मूवी का नाम जरूर बताइए क्योंकि इस वीडियो की बेस्ट मूवीज लिस्ट से भी ज्यादा आपकी वो मूवी बियॉन्ड इमेजिनेशन कमेंट में देखकर ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। मैं मिलूंगा आपसे इंस्टाग्राम पे। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।